Hello guys and welcome back to my channel of YouTube. तो finally मेरी Porsche 911 Carrera scale model की जो restoration का काम था वो complete हो चुका है और अब कार पहले से दिखने में काफी बहुत cool लग रहा है और अगर आप कार को देखोगे तो आपको सब यकीन होगा कि ये वही कार है। तो वैसे ये जो वीडियो है मेरे प्लान के हिसाब से तो ये वीडियो कल ही रिलीज हो जाना चाहिए था, लेकिन किसी वजह से क्या हुआ कि मुझे वीडियो शूट करने का बाकी नहीं मिला कल, तो इसीलिए ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया। इसलिए वेरी वेरी सॉरी कि मैंने एक दिन लिए वीडियो लेट हो गया, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जो कार है अब वो कम्प्लीटली तैयार हो चुका है और अब वो कार इस कपड़े के नीचे है। तो मैं वो कार से अब एक दो मिनट में दिखाने जा रहा हूँ। तो उससे पहले कि मैं आपको कार दिखाऊँ, मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो आपने तो मेरी जो कार की जो सबसे पहली वीडियो है वो तो आपने ज़रूर देखी होगी, उसे मैंने तकरीबन एक हफ्ते पहले रिलीज़ की थी। आपने देखा था कि कार सचमुच बहुत बुरी कंडीशन में था, जो पार्ट्स थी ऑलमोस्ट वॉर्न हो गई थी, पेंटिंग वगैरह भी ऑलमोस्ट गॉन हो गया था, मतलब सब कुछ फेड हो गया था, काफ़ी बहुत चीज़ें मतलब ब्रस्ट हो गया था, बॉडी में भी काफ़ी सारे डेंट्स थे, बॉडी की जो शेप है वो भी काफ़ी बहुत डैमेज हो गया था। किसी तरह तो मैंने बॉडी को टिंकर करके उसे एकदम सही से मिलाया, जो डेंट्स वगैरह थे उन्हें भी हटा दिया, स्क्रैचेस वगैरह काफ़ी कुछ थे उन सबको भी मैंने, कुछ को मैं ठीक नहीं कर पाया, जो सबसे मुश्किल है मैं उन्हें ठीक नहीं कर पाया, लेकिन जो चीज़ें आसान है मैंने ज़्यादातर चीज़ों को ही मैंने रिपेयर किया। जो कुछ भी कार में प्रॉब्लम थी बॉडी वर्क कम्प्लीटली रीडन हुई है और अब कार सिर्फ बॉडी वर्क ही नहीं, इंटीरियर जो था इंटीरियर को भी मैंने फुल रिपेंट कर दी है। और जो व्हील्स थी मैंने आपको जो उस वीडियो में जो व्हील्स दिखाई थी वो क्रोम एलॉय व्हील्स मैंने वही कार में फिट कर दिया और जो पुरानी वाली थी उन्हें निकाल दिया और अब कार सचमुच देखने में काफ़ी कूल दिख रहा है। तो क्या आप कार को देखने के लिए तैयार हो? ओके तो 1 2 5 ओके 1 2 3 4 and 5 टैंडरन। क्या आप सोच रहे कि वो कार नहीं है? अच्छी तरह से देख लीजिए। अब मुझसे ये मत पूछिए कि भाई वो कार कहाँ है जिसके लिए आपने हमें यहाँ बुलाया था। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई दूसरी कार है तो ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली में वही कार है जो मैंने आपको तकरीबन एक हफ्ते पहले दिखाया था, कम्प्लीटली रीपेंटेड। और ये जो विनील्स बताई थी मैंने, अच्छी तरह से देख लीजिए, ये देख रहे हैं पीछे नई करेरा वाली बैच, सब नई लाइट्स, नई व्हील्स, फुल्ली रीपेंटेड इंटीरियर और सब टिंटेड विंडोज। अब इस कार को देखने के बाद ये कोई भी नहीं कहेगा कि ये वही कार है जो मैंने आपको तकरीबन एक हफ्ते पहले उस वीडियो में दिखाया था। कंप्लीट कार रीडन हुई है और ये देखिए, पहले तो ओरिजिनली ये स्पॉयलर ब्लैक थी, लेकिन अब देखिए बॉडी कलर उसमें एकदम ब्रांड न्यू ग्रिल। तो उससे पहले कि मैं आपको कार के बारे में और इन्फॉर्मेशन देता हूँ, चलिए कार का एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। हाँ तो ये था कार का एक छोटा सा रिव्यू। मेरे पास और लंबा रिव्यू वीडियो बनाने का वक्त नहीं रहा था, इसलिए मैंने छोटा सा ही बना लिया। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कार में एक्चुअली में क्या क्या चेंजेस की है, क्या कुछ रिपेयर की है, क्या कुछ बदल दी है। तो अगर बात करें इन सब विंडशील्ड्स की, तो जो मैंने आपको पिछले वीडियो में तो बताया था लेकिन मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, तो ये सब वही ओरिजिनल विंडशील्ड ही है, सब विंडोज से विंडशील्ड ही नहीं, जितनी क्लासेस हैं
ये सब वही ओरिजिनल ग्लासेस ही है जो कार के साथ एकदम फैक्ट्री से आई थी, क्योंकि उन उनकी जो साइन थी ऑलमोस्ट कम्प्लीटली गॉन हो गया था। मतलब हम जितना पॉलिश करते हैं लेकिन उनकी जो साइन है वो कभी भी वापस नहीं आता। तो इसलिए मैंने क्या किया कि जो पुरानी विंडशील्ड थी और जो पुराने की ग्लासेस थी उनकी जो थोड़ी बहुत दाग लगी थी उन्हें साफ़ कर दिया, और उन्हें साफ़ करने के बाद उनके ऊपर ये ब्लैक कलर की फिल्म से उन्हें टिन कर दिया, जिससे अब तो ग्लासेस की जो दाग है वो पूरी तरह से हट गई है। मतलब जो दाग है वो इसके अंदर अब कवर हो गई है, और इससे अब विंडोज़ को वैसे मुझे टिन करने का इतना इंटरेस्ट तो नहीं था, लेकिन वैसे इस कार में तो टिंटेड विंडोज़ काफ़ी कूल दिख रहा है, आप खुद देख सकते हैं। और ये कोई नॉर्मल टिंटेड विंडोज़ नहीं है, आप देख सकते हैं इनमें जो थोड़ी ग्लिटर इफेक्ट आती है, मैंने आपको पिछले वीडियो में इसे दिखाया था, ये भी वो सेम स्टिकर है। तो पूरी की पूरी स्पॉइलर को मैंने बॉडी कलर कर दिया। ओरिजिनली तो कार में ये वैसे ब्लैक आती थी, कंप्लीट ब्लैक, मतलब कोई कलर नहीं था, एकदम प्लास्टिक की थी, प्लास्टिक ब्लैक की। उसके ऊपर मैंने उसे पूरी तरह से बॉडी कलर कर दिया, वो तो स्ट्राइप्स ही वगैरह थे उन्हें भी फिट कर दिया, और यहाँ पर वो तो ग्रिल थे उन्हें उसे ब्लैक कर दिया। अब से सिर्फ कार में सिर्फ एक ही चीज़ मुझे पसंद नहीं आया है, वो है इसकी सनरूफ। ओरिजिनल पोर्शे में इस तरह की सनरूफ नहीं आती थी, जो सनरूफ थी वो एकदम कवर थी, और वो मतलब हार्ड टॉप वाली सनरूफ थी जिसे हम साकर खोल सकते थे। इस तरह की एकदम ग्लासेस की सनरूफ तो नहीं आती थी। अब मैं फिर फ्यूचर में कभी इस सनरूफ का कुछ ना कुछ तो करना होगा, मैं इसे बाद में ब्लॉक करने की सोच रहा हूँ, लेकिन अभी नहीं, बाद में कभी, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी तो कार काफ़ी कूल दिख रही है। और अगर व्हील्स की बात करें तो ये वही व्हील्स है जो मैंने आपको दिखाया था, एकदम ब्रांड न्यू क्रोम एलॉय व्हील्स। तो वैसे ब्रांड न्यू नहीं है, वेल मैंने इसे ब्रांड न्यू इसलिए कहा है क्योंकि मैंने इसे जिस स्केल मॉडल से निकाला है उस स्केल मॉडल को मेरा खरीदे ज़्यादा बग भी नहीं हुआ था, एकदम नई कार है, तो इसीलिए मैंने मैंने इसे ब्रांड न्यू कहा है, क्योंकि एक तरह से ये व्हील्स कभी यूज़ ही नहीं हुआ है। उस स्केल मॉडल को खरीदने के सिर्फ 2-3 हफ्ते ही शायद हुए थे, उसके बाद मैंने खोल लिया। तो अगर ये सामने की पोर्शे की लोगो की बात करें तो ये ओरिजिनल लोगो ही है, बोलिए ओरिजिनल लोगो नहीं है, कार में ओरिजिनली तो कोई लोगो नहीं था, लेकिन ये वही लोगो है जो रिस्टोरेशन से पहले लगी हुई थी। ये लोगो पहले असल में पीछे लगी हुई थी, लेकिन जो सामने वाली थी वो मैंने जब निकाला था तो वो ख़राब हो गया था, लेकिन पीछे वाला ठीक था, तो इसलिए मैंने पीछे वाले को सामने लगा दिया, और पीछे कोई लोगो नहीं छोड़ी है। और यहाँ पर जो एक दाग थी अब वो ऑलमोस्ट हट गई है, हेडलाइट्स वगैरह सब कुछ एकदम ओरिजिनल हेडलाइट्स कोई पूरी तरह से रिस्टोर की गई है। तो मैंने इस कार को थोड़ी बहुत पोर्शे की जो गुल्फ एडिशन है कुछ उस तरह की डिज़ाइन दी है, क्योंकि आप जानते हैं ऑरेंज और ब्लू की कॉम्बिनेशन, ये गुल्फ रेसिंग रेसिंग कलर है। तो वैसे गुल्फ रेसिंग कलर की जो ब्लू है वो इससे थोड़ी लाइट होती है, इतनी डार्क नहीं होती है, क्योंकि मैंने पहले इस कार को गुल्फ एडिशन कार बनाने की सोचा नहीं था। बाद में मैंने सोच लिया कि भाई अब इस तरह से एकदम स्टॉक ब्लू कार रखने से अच्छा है कि मैं इनमें कोई डिज़ाइन करूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ ऑरेंज नहीं है, इसके साइड में कुछ एकदम थीन ब्लैक स्ट्राइप्स भी है, जो कार को काफ़ी यूनिक लुक दे रहा है। और अगर पीछे की बात करें तो यहाँ पर पीछे पे लिखी गई है द करेरा, ये एकदम नई बैच है। यहाँ जो स्पॉइलर है इनके साइड में भी यहाँ ऑरेंज डिटेलिंग की गई है, आई थिंक आपको कैमरे में ये येलो जैसा दिख रहा होगा, लेकिन असल में ये सब ऑरेंज है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब रिफ्लेक्टिंग फिल्म्स है जिसकी वजह से आपको ये ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है। ये सब टेल लाइट्स वगैरह सब कुछ ओरिजिनल ही है, लेकिन मैंने उन सबको रिकोट कर दिया है। लाइसेंस प्लेट वही है जो पहले लगी हुई थी, एग्जॉस्ट पाइप वगैरह सब कुछ वही है। बम्पर्स को भी मैंने यहाँ येलो कलर कर दिया है, पूरी तरह से येलो कलर नहीं बल्कि इसने रैपिंग की है, तो पूरी कार को ऑलमोस्ट वेबिंग ही की गई है सिवाय इस ब्लू बॉडी कलर के जो कि सिर्फ पेंटेड है। और अगर इंटीरियर की बात करें तो मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। पहले तो इसके दरवाज़ा था, मैंने भले भी इसकी बॉडी को सही कर दिया था, लेकिन इसके दरवाज़ा फिर भी अच्छी तरह से बंद नहीं हो रहा था, वो बाहर निकल आता था, तो इसलिए मैंने यहाँ अंडर में यहाँ पर डबल सेट टेप्स लगा दी है, वो अंडर में भी लगा ली है, मतलब यहाँ जो ये फ्रेम है उसके अंदर भी लगा दिया है, जिसकी वजह से आप जो दरवाज़ा है आप देख सकते हैं एकदम साउंडलेस हो गया है। और प्लस चीज़ दरवाज़ा पहले जैसे निकल आता था, ये देखिए ऐसा करने से अब नहीं निकलता है, काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि अब दरवाज़ा टाइट हो गया है। वैसे इसे एक्चुअली में ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन जो यहाँ पर एक क्रैक है उसमें भी क्रैक है, उसकी वजह से दरवाज़ा ज़्यादा लूज़ हो गया था, लेकिन मैंने किसी तरह तो दरवाजे का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। तो अभी बारी है इंटीरियर की, इंटीरियर को कम्प्लीट रिपेंट की गई है। तो वैसे ये इंटीरियर की कलर इतनी अच्छी तरह से मैच तो नहीं कर रही है, बट एटलीस्ट कार को ये थोड़ी विंटेज लुक दिख रही है। इस स्टीयरिंग व्हील का मैं बाद में कुछ ना कुछ तो करूँगा, क्योंकि ये मारुति सुजुकी अल्टो की स्टीयरिंग व्हील है और पोर्शे के साथ ये ज़्यादा मैच नहीं कर रही है, लेकिन यहाँ पर मैंने पोर्शे की लोगो पहले से लगा दिया था, जैसे अब काफ़ी बड़ी पोर्शे जैसी ही लग रही है। ये सीटें भी मूवेबल है, तो ओरिजिनल ही फीचर है, उस तरफ की सीट भी है।
अगर इस तरफ की सीट की बात कर ली, ये भी सेम ही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सब कुछ फीचर्स है जो आजकल के स्केल मॉडल्स में ज़्यादातर आती नहीं है, आप देख सकते हैं। इस तरफ के दरवाजे के साथ भी सेम चीज़ की है, या डबल सर टेप लगा दिया है ताकि दरवाज़ा टाइट हो जाए, और इसे अब दोनों दरवाज़ा एकदम टाइट हो गया है। बाकी ये सब जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये सब भी एकदम नया लगाया गया है। साइड मिरर्स को, पहले तो साइड मिरर्स बॉडी कलर की थी, लेकिन मैंने इन्हें ब्लैक कर दिया है क्योंकि मुझे ब्लैक ज़्यादा कूल दिखी। यहाँ पर भी एक ब्लैक एक बेल्ट लगा दी है, बेल्ट नहीं बल्कि एक ट्रेम। पहले तो कार में यहाँ पर मैंने जो क्रोम थी वो काफ़ी बहुत बुरी तरह से निकल गई थी, तो इसलिए मैंने इसे दोबारा वो ट्रिम नहीं लगाया। और जो ये पिलर थी इसे भी ग्लोजी ब्लैक कलर कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं इसकी जो पिलर की जो पोजीशन है वो ओरिजिनल पोर्शन की थोड़ी ऐसे जाती है, जबकि ये काफ़ी स्ट्रेट थी मेरी कार में, तो इसलिए मैंने इसे ब्लैक कलर कर दिया है। क्योंकि अब इससे आप जो आप देख सकते हैं, आप दूर से जो पिलर की जो पोजीशन रॉन्ग है अभी दिखा नहीं देता है। वेल, पोजीशन पुराने होने की वजह से नहीं, कंपनी से ही रॉन्ग हुई है। अगर फ्लोर पैनल की बात करें तो फ्लोर पैनल तो कुछ भी नहीं हुआ है, एकदम ओरिजिनल है। अगर यहाँ सामने की हुड की बात करें, आई मीन बुट की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ सामने में भी काफ़ी स्पेस है, इसे भी पूरी तरह से रीपेंट की गई है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये वाला हिस्सा मैंने अभी तक कोट नहीं किया है, लेकिन बाद में कभी कर दूंगा। ये सब यहाँ पर नया जोड़ी गई है। तो आपने अपने कार तो देख ही लिया, मुझे नहीं लगता आपको और कुछ दिखाने की ज़रूरत है। पहले मैं आपको एक और रिव्यू दिखा देता हूँ। वो मैन, अगर आप पूरे दुनिया में कोई ऐसी कार ढूंढेंगे तो आपको और ऐसी कार मतलब कहीं में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फुल मॉडिफाइड कार है। यहाँ देख सकते आप, साइड में भी ये सब लगाई गई है। ये सब डिटेलिंग ओरिजिनल जो सुपीरियर सनीसाइड की जो पोर्शे 911 मॉडल थी उसमें उस तरह की डिटेलिंग नहीं आ रही थी। ये सब कुछ कस्टम मॉडिफिकेशन है जो मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने हिसाब से की है। ऐसी कुछ मैंने इंटरनेट में कुछ ऐसी पोर्शे देखी थी, मैंने आपको दिखाया था शायद, मैं भूल गया शायद आपको दिखाया था शायद पिछले वीडियो में, तो मैंने आपको दिखाया था कि कुछ गोल्ड एडिशन वाली पोर्शे है, कुछ उस तरह की डिज़ाइन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन मैं आपको मैंने श्योर नहीं बताया था कि मैं सचमुच वो कर रहा हूँ कि नहीं। मैं आपको सरप्राइज करना चाहता था, तो इसीलिए मैंने आपको डिज़ाइन के बारे में कुछ नहीं बताया कि मैं एक्चुअली में कौन सी डिज़ाइन कार के लिए सूज कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कार सचमुच पसंद आया होगा, क्योंकि ऐसी कार तो आप पूरे दुनिया में कहीं ढूंढेंगे तब भी आपको नहीं मिलेगा। पहले आपको ये नॉर्मल जो सुपीरियर सनीसाइड के जो पोर्शे 911 मॉडल है SS-5303, तो वो कार तो आपको मिल जाएगा, लेकिन वेल मैं नहीं जानता अगर मिलेगा या नहीं, लेकिन शायद अगर आप ढूंढेंगे तो आपको कोई स्टॉक कार कहीं में शायद मिल जाएगा, लेकिन एक इस तरीके तो कहीं में नहीं मिलेगा, क्योंकि फुल मॉडिफाइड मॉडल है। फिर से बता रहा हूँ कि ये फुल मॉडिफाइड है, आपको ऐसी कार पूरी दुनिया में भी कहीं नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ इस कार को रेस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि इसे बनाना इतना आसान नहीं था। आपने तो अगर कार की सबसे पहली वीडियो देखी है तो आपको तो ये पता ही होगा कि ये कार कैसी कंडीशन में थी और किस कंडीशन से मैंने किस कंडीशन में लाया। काफ़ी हार्ड स्टॉप है, मुझे लगभग एक हफ्ते से ज़्यादा लग गया इस कार को रिस्टोर करने में। और अब जो मैं नेक्स्ट कार में से करने की सोच रहा हूँ वो है इस सनरूफ को किसी तरह ब्लॉक करने की। मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं बाद में ऐसे ब्लॉक करने की सोच रहा हूँ, जैसे मिरर से इन सब को क्रोम करने की सोच रहा हूँ। फिलहाल के लिए तो ये सब ब्लैक है, लेकिन बाद में मैं कभी क्रोम कर सकता हूँ। यहाँ पे साइड में भी क्रोम लगाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि शायद कार इससे शायद ज़्यादा कूल दिखेगा, लेकिन मैं फिलहाल तो श्योर नहीं हूँ, क्योंकि ये कार अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल कूल दिख रही है। मेरे ख्याल से आप और कोई मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कार अब ऑलमोस्ट फुली रिस्टोर्ड है, ऑलमोस्ट नहीं कम्प्लीटली रिस्टोर्ड है। तो चलेगा अभी के लिए इतना ही, क्योंकि मैंने तो आपको कार दिखाई दिया, मुझे नहीं लगता आपको और कुछ दिखाने की ज़रूरत है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि मेरे दूसरे प्रोजेक्ट के साथ मैंने क्या किया, और इस कार के साथ भी और क्या क्या किया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी much.